नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और चलिए 19 अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और दिवस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी कि ये है वर्ल्ड फूड डे और दूसरा होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। तो दोनों में आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यह जो दिवस है 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि खाद्य व कृषि संगठन, दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में 16 अक्टूबर को ही हुई थी। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम में। और इस बार विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? तो थीम है आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, हेल्दी डाइट्स फॉर ए जीरो हंगर वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है? यानी कि यह जो इंडेक्स है वह किसी चीज़ को देने में किसी देश का क्या स्थान रहा है इसके बारे में बताता है। तो इसमें हमारे देश भारत की पोजीशन है 82, यानी कि 82वें स्थान पे रहा है भारत। अब बाकी जो अन्य दिए गए हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 34वें पोजीशन में रहा है यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत, जिसमें स्पेन पहले स्थान पर रहा। 102 स्थान पर रहा है भारत वैश्विक भूख सूचकांक में, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और यहाँ पर किसी ने पूछा था कि जो ये वैश्विक भूख सूचकांक है इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो इसमें पहले स्थान पे बहुत सारे देश थे, तो वो आपको याद नहीं रखना है। 68 पोजीशन यानी कि 68वें स्थान पे रहा है भारत, जो जारी किया गया था विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, जिसमें सिंगापुर था पहले स्थान पे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में। तो इसे जारी किया गया चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि अमेरिका पहले स्थान पे है, म्यांमार दूसरे स्थान पे है और न्यूजीलैंड इसमें है तीसरे स्थान पे। 128 देश शामिल हुए। और इसमें ये बताया गया कि 34% भारतीय अजनबियों की मदद करते हैं, 24% के द्वारा दान दिया जाता है और 19% ऐसे हैं कि जो समय का दान भी देते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सिरुई लीली महोत्सव 2019 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मणिपुर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया। ये इसका तीसरा संस्करण है और मणिपुर के उखरूल में इसका 4 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। ये स्थान है उखरूल। अभी एक स्थान और चर्चा में था इसी से मिलता जुलता, जिसका नाम है अखनूर। तो अखनूर है जम्मू कश्मीर में और यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा शहीदों के परिवारों के लिए एक वीर कुटुंब रैली का आयोजन किया गया। और सिरुई लीली महोत्सव में जो विभिन्न जाति समुदाय हैं उनके द्वारा लोक नृत्य और गीतों का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 20th पशुधन जनगणना 2018 के अनुसार 2012 की तुलना में हमारे देश में जो पशुधन है उनकी संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 4.6%, यानी कि 4.6% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस जनगणना में ये बताया गया कि कुल पशुधन की संख्या है 535 मिलियन हमारे देश में, और सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है पश्चिम बंगाल में। 1919 में पहली बार ये जनगणना हुई थी और सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो पशु है वो है गाय, लगभग 19 करोड़ के आसपास। दूसरे नंबर पे है भैंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर शोधकर्ताओं के द्वारा प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की 2 प्रजाति खोजी गई? तो ये प्रजाति खोजी गई है नोएडा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नोएडा क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि UNCCD का सम्मेलन यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा भारत का पहला जो पुरुष विश्वविद्यालय होगा इसकी स्थापना भी नोएडा में होगी, और नोएडा में सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने। तो इसलिए नोएडा चर्चा में रहा था और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा रायतू भरोसा योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस योजना के अंतर्गत जो किसान हैं उनको 7500 रुपये मई माह में, 4000 रुपये अक्टूबर माह में और 2000 रुपये संक्रांति के त्यौहार यानी कि जनवरी माह में दिए जाएंगे। और इसका जो शुभारंभ है आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। अब इस स्कीम का नाम है रायतु भरोसा। इसी से मिलता जुलता स्कीम एक चलता है तेलंगाना में, जिसे हम लोग कहते हैं रायतु बंधु।
तो यहाँ पर दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा दो अन्य योजनाएं भी लाई गई, एक तो है YSR कांति बेलगू जिसके माध्यम से लोगों के आंखों की जांच की जाएगी, और एक है YSR वाहन मित्र यानी कि जो भी आंध्र प्रदेश के ड्राइवर हैं उनको प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के नाम से भी जानते हैं, और थीम आपको याद रखनी है, थीम इसकी है एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रेन देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी, यानी कि गरीबी समाप्ति के लिए बच्चे उनके परिवार और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने चीन के राज्य फुजियान के साथ सिस्टर स्टेट संबंधों के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है तमिलनाडु राज्य ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इसी प्रकार के कुछ समझौते और हुए हैं, जैसे कि सिस्टर स्टेट के लिए समझौता किया है गुजरात ने अमेरिका के राज्य न्यूजर्सी से, और इसी न्यूजर्सी से किया है तेलंगाना ने भी। तो ये आपको याद रखना है, सिस्टर स्टेट या सिस्टर सिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दोनों जो राज्य होते हैं या दो शहर होते हैं एक दूसरे के ग्रोथ में सहयोग देते हैं, साथ ही साथ जो भी वहाँ की संस्कृति होती है उसका भी आदान प्रदान किया जाता है। तो तेलंगाना ने किया है न्यूजर्सी के साथ, अहमदाबाद जो कि गुजरात का शहर है इसने जापान के कोबे शहर के साथ किया है, दिल्ली ने किया है रूस की राजधानी मॉस्को के साथ में, और इसके अलावा यूएसए का एक राज्य है डेलावेयर, तो डेलावेयर के साथ में गुजरात ने समझौता किया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, और कोबे वाला तो अभी पूछा गया था, और आज मैंने जो प्रश्नों को डिस्कस किया था उसमें मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जो एग्ज़ाम है उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अब आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ किसने लिखी? तो इसे लिखा है 5 बार के विश्व चैंपियन तमिलनाडु के चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर से भारत व अन्य किस देश के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है भारत और ओमान के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये मुख्य रूप से दोनों देश की वायुसेनाओं के बीच में होगा। ओमान के साथ में हम एक युद्ध अभ्यास और करते हैं जिसका नाम है अल नगाह। मंगोलिया के साथ में कौन सा करते हैं? नोमाडिक एलिफेंट। जापान के साथ में हम 3 करते हैं, एक तो है धर्मा गार्जियन, एक है सिन्यू मैत्री और एक है मालाबार, जिसमें अमेरिका जापान इसके साथ साथ भारत शामिल होता है। श्रीलंका के साथ करते हैं सिलिनेक्स, और इसका आयोजन इस बार किया गया कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। अब हम एक्स ईस्टर्न ब्रिज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका आयोजन हो रहा है ओमान के मसीरा एयरफोर्स बेस में। 2017 में इसका जो पिछला संस्करण हुआ था वह हुआ था जामनगर में। वायुसेना इसमें भाग लेती हैं, और पहली बार भारत का जो MiG-29 है ये भारत के बाहर किसी युद्ध अभ्यास में भाग ले रहा है। तो इसमें भारत के 2 जहाज आएंगे, एक तो होगा MiG-29 और एक होगा एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको भी थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि अगर प्रश्न इससे थोड़ा सा टफ पूछा गया तो वहाँ पर आपसे यही पूछा जा सकता है कि इस युद्धाभ्यास में किस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लेखा महानियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है JPS चावला को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और एक चीज़ आपसे आज मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग आज कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप मैक्सिमम कितने मिनट की वीडियो देख सकते हैं, जिससे मैं आपको कुछ हर वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दे सकूं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। तो मैक्सिमम आप बताइएगा कि आप कितने समय का वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी 9 लाख के मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बनी है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि मार्केट कैप होता क्या है। जितनी भी हमारे भारत की कंपनियाँ होती हैं वे अपने आप को शेयर बाजार में लिस्ट कराती हैं, उसके बाद में शेयर इनके द्वारा इशू किए जाते हैं, और इनके जो शेयर होते हैं कुल शेयरों की संख्या और उसका मूल्य क्या है जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जो वैल्यू आती है वही कहलाती है मार्केट कैप। तो 9 लाख के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है रिलायंस ग्रुप,
यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहां पर ये 9 लाख के मार्केट कैप पर इसलिए पहुंची क्योंकि शेयर की जो इसकी कीमत है उसमें 2% की वृद्धि हो गई। आपको पता होगा कि रिलायंस के चेयरमैन और MD हैं कौन, मुकेश अंबानी, और इस कंपनी में इनका 47% शेयर है। रिलायंस के बारे में बात करें तो ये राजस्व के हिसाब से भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बाद में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं फाइनेंस रेवेन्यू के हिसाब से। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी पहले भारतीय नवाचार सूचकांक में यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है कर्नाटक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये पहला संस्करण था जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसकी कुल मिलाकर 3 श्रेणियां थी, यानी कि राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी? एक तो हो गए मुख्य राज्य यानी कि मेजर स्टेट, फिर दूसरी कैटेगरी थी उत्तरी पूर्वी व हिमालयी राज्य, और तीसरी कैटेगरी थी छोटे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर कर्नाटक रहा पहले स्थान पे, तमिलनाडु दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है, मेजर राज्यों की हम बात कर रहे हैं, और बिहार यहाँ पर सबसे निचले पायदान पे है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग उत्तरी पूर्वी और हिमालयी राज्यों में बात करें तो इसमें सिक्किम पहले स्थान पे रहा है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली यहाँ पर पहले स्थान पे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक रिपोर्ट और जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि कौन सा राज्य ऐसा है जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है यानी कि निवेश को आकर्षित करता है। तो इसमें भी रहा है कर्नाटक पहले पे, लेकिन महाराष्ट्र इसमें दूसरे पे हो गया, और हरियाणा इसमें है तीसरे स्थान पे। इसका मतलब ये है कि कौन सा राज्य ऐसा है कि जहां पर कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट करना चाहती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में HIV/AIDS का प्रसार सर्वाधिक है? तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि मिजोरम में जो HIV/AIDS का प्रसार है ये सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। HIV के बारे में आपको तो पता ही होगा कि ये मुख्य रूप से वायरस से फैलने वाला एक रोग है। बीमारी का नाम है इसमें एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV ये इसका वायरस होता है, और इसके वायरस का टाइप भी पूछा जाता है, तो इसे हम लोग रोटा वायरस कहते हैं, और इसके लिए जो दवा है इसे हम लोग कहते हैं एजडोवुडीन। क्या नाम है? एजडोवुडीन। तो ये भी याद रखना है। और इस रिपोर्ट में मणिपुर दूसरे और नागालैंड तीसरे स्थान पे है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक डेटा रिलीज किया था, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारे देश में जो एड्स के केसेज हैं वे काफ़ी डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2017 के बीच में 27% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन वहीं पर अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर 18% इंक्रीज हुआ है एड्स के मामलों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व इस्पात संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं संजय जिंदल, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। संजय जिंदल जो है वो JSW स्टील के अध्यक्ष व MD हैं। एक वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा, और अगर हम विश्व इस्पात संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। अध्यक्ष इसके हैं यू योंग। तो ये हैं संजय जिंदल। अगला प्रश्न है, 41वें रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO की बात हो रही है, के निदेशकों का सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। DRDO जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है? नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं G.Sivan रेड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के NH 703 यानी कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 703AA का नाम किस सिख गुरु के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के नाम पर। एक चीज आपको और याद रखनी है कि सिख धर्म में कुल मिलाकर के 11 गुरु अभी तक हुए हैं, जिनमें आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जन सिंह कौन थे? ये 5वें गुरु थे। और यहाँ पर 10 तो व्यक्ति हैं यानी कि कोई व्यक्ति विशेष गुरु है, और 11वां जो गुरु माना जाता है सिख धर्म में वह है गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे कि हिंदू धर्म में गीता होती है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं इस्लाम में तो वहां पर कुरान होता है, उसी प्रकार से जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है इसे 11वां गुरु माना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसकी घोषणा हमारे जो रोड परिवहन और हाईवे मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा की गई है, और ये जो NH 703AA है ये कपूरथला को गोविंदवाल साहिब से जोड़ती है। अभी हाल ही में एक ट्रेन का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया, सरबत दी भला ट्रेन। यूनेस्को के द्वारा गुरु
नानक देव के जो भी इनके लेखन हैं उनके अनुवाद की घोषणा भी की गई है और नेपाल के द्वारा इनके लिए 2500, 1500 और 100 रुपए के सिक्के जारी किए गए और ये जो वर्ष है ये गुरु नानक देव के जन्म का 550वीं वर्ष गांठ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है यहाँ पर केरल ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर केरल के द्वारा केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा गया था और अगर यहाँ पर अधिनियम में संशोधन होता है तो निजी शिक्षण संस्थानों में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं मुख्य रूप से शिक्षकों को, ये सुविधा देने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। और जब ये लागू हो जाएगा तो अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी कार्य कर रहा है और वो महिला मातृत्व अवकाश लेती है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद अवकाश लेती है या समय में, तो उसे 26 सप्ताह का अवकाश तो मिलेगा, साथ ही साथ उसे वेतन भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लू स्टार ने किस खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये बने हैं वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसके साथ साथ पीवी सिंधु जो हैं वो वीजा की बनी हैं, महेंद्र सिंह धोनी किसके बने हैं, मास्टर कार्ड के बने हैं, जसप्रीत बुमराह बने हैं कल्ट स्पोर्ट के, क्योर डार्ट फिट का है कल्ट स्पोर्ट और इसके बने हैं जसप्रीत बुमराह, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय विधि सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर अनूप कुमार मेहंदीरत्ता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब सचिव तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, हर मंत्रालय में आपको बहुत सारे सचिव मिलेंगे, लेकिन जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि राजीव कुमार हैं वित्त सचिव, सुभाष चंद्र गर्ग हैं ऊर्जा सचिव, राजीव गौबा हैं केंद्रीय सचिव, विजय गोखले हैं विदेश सचिव, अजय भूषण पांडे हैं राजस्व सचिव, अतानु चक्रवर्ती हैं आर्थिक मामलों के सचिव और अजय कुमार भल्ला हैं गृह सचिव। तो इन्हीं लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, अगर पूछा जाएगा तो इसी में से किसी एक का पूछा जाएगा। एक और हैं ब्रिज कुमार, वे हैं लोकपाल के सचिव। तो ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है अनूप कुमार मेहंदीरत्ता। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग ये होगी कर्नाटक में। आईएमएफ द्वारा जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है ये घोषित की गई है 6.8 और यही है आरबीआई के द्वारा। गोल प्रोग्राम किस कंपनी के साथ में शुरू किया गया है? तो ये है फेसबुक और इसका दूसरा चरण शुरू होगा जिसके अंतर्गत 5000 ट्राइबल महिलाओं की ट्रेनिंग की जाएगी फेसबुक के द्वारा। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान है 103 और अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 100 जीत पूरी करने वाली दूसरी कप्तान बनी है मिताली राज। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? दुनिया का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है किस देश में खुलेगा? चिनानी नासरी सुरंग किस देश में नहीं होगा? चिनानी नासरी सुरंग जिसका नाम क्या रखा जाएगा, यानी कि किस के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा? टीम कैशलेस इंडिया पहल किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? और टैक्सी बोर्ड का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद जय भारत। और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।